ये आपका केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है, पेज नंबर 5 पे तो कुछ नहीं है, 6 से लिखना है आपको। पेज नंबर 7 आप ये आंसर को यहाँ पे लिख सकते हैं या फिर टिक भी कर सकते हैं, यहाँ पे स्पेस नहीं तो यहाँ पे टिक कर लेना, तो एक काम करो उसको टिक कर लो। देन पेज नंबर 8 ब्लैंक है, उसको छोड़ दो और नोट्स और कैलकुलेशन या फिर रफ वर्क के लिए। अभी आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 2 जो कि पेज नंबर 9 पे है, लेकिन 9 पे तो कुछ लिखना नहीं है, 10 पे लिखना है आपको। एक्सपेरिमेंट नंबर 3, यहाँ पे आपको 14 पेज नंबर सिर्फ इतना ही लिखना है। उसके बाद आपको ग्राफ बनाना है, ग्राफ इस तरीके से बनाएंगे आप, इस 0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Na2 S2O3 और ये 0.005, 0.010, 0.015 इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। और नोटेशन में x एक्सिस और y एक्सिस पे देख लीजिए क्या है, वो हिसाब से लिख देना। एक्सपेरिमेंट नंबर 4, अगेन आपको ग्राफ बनाना है इस तरीके से, पेज नंबर 20, पेज नंबर 21, एक्सपेरिमेंट नंबर 5, पेज नंबर 23, ट्वेंटी 4 और 25 इज एम्प्टी। 26 पे आपका 6 नंबर का एक्सपेरिमेंट है, लेकिन वहाँ पे भी कुछ नहीं है, आपको सीधा 27 पर लिखना है ये वाला टेबल। पेज नंबर 28 पर ग्राफ है, यहाँ पे लिखा ऑन एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.012, ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.1। यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन लिखा हुआ है 0.0112
0.1315, 0.625, इस तरीके से 815, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 इस तरीके से आपको जाना है। और ये लिखा है सेल पोटेंशियल लिखा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन लिखा हुआ इस तरीके से। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और यहाँ पे आपको इस तरीके से इसको ड्रॉ करना है। अच्छे से देख लो, तो नेक्स्ट पेज पे आपको इधर एमसीक्यूज है, उसको टिक करना है। पेज नंबर 30 एम्प्टी, एक्सपेरिमेंट नंबर 7, 31 पर कुछ नहीं है, 32 पर आपको लिखना है। थर्टी फाइव पे एक्सपेरिमेंट नंबर 8 है, 34 पे कुछ नहीं है। देन पेज नंबर 36 पे टेबल, पेज नंबर 37, इट इज ब्लैंक। 39 पे एक्सपेरिमेंट नंबर 9 है, उस पर आपको पेज नंबर 40 पर लिखना है। इधर लिखना है आपको, पेज नंबर 41, पेज नंबर 43 पे एक्सपेरिमेंट नंबर 10, पेज नंबर 44, हाइड्रोजन बॉन्ड इज एन इंटरमोलिक्यूल फोर्स दैट स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल ट्रैक्शन, इस तरीके से लिखा है। इसको अच्छे से पढ़ के लिख लो, कम ज़्यादा स्पेस कम है इसलिए उसको उस तरीके से लिखा गया है। पेज नंबर 47, एक्सपेरिमेंट नंबर 11, यहाँ पर कुछ लिखना नहीं है, सीधा आपको इसके नेक्स्ट पेज पर लिखना है। पेज नंबर 48, एक्सपेरिमेंट नंबर 12, पेज नंबर 51, फिफ्टी टू इज एम्प्टी, 53 पे आपको लिखना है। एक्सपेरिमेंट नंबर 13 है आपका, 53 पे आपको इतना लिखना है। पेज नंबर 54, फिफ्टी फाइव एम्प्टी है। पेज नंबर 56 पे 14 है आपका प्रैक्टिकल, लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं है, लिखना है आपको 57 से।
पिन नंबर 59 पर एक्सपेरिमेंट नंबर 15 पिन नंबर 61 इज एम्प्टी। 62 पर 16 नंबर का एक्सपेरिमेंट है, उसमें आपको सिर्फ इतना ही लिखना है। तो नेक्स्ट पेज पर आपको एमसीक्यूज पेज नंबर 65 इतना लिखना है। पेज नंबर 66 71 पर लिखना है। 70 पर कुछ नहीं है, 70 इज एम्प्टी, आपको 71 पर लिखना है। पेज नंबर 72 73 पर कुछ नहीं है, 74 75 पर कुछ नहीं है, 76 पर भी नहीं है। 76 पर आपको लिखना है शुगर पाउडर, यहाँ पर लिखना है ऑयल 77 पर। देन 78 एम्प्टी है। 80 पेज नंबर 81 82 एम्प्टी है। 83 पर भी कुछ नहीं है, 84 85 एम्प्टी। इसके बाद 98 आपको जो तो सीधा 91 पर आना है, बीच के जो पेज है 90 तक वहाँ पर कुछ भी नहीं है, आपको 90 पे आके लिखना है। पेज नंबर 92 इज एम्प्टी। देन 93 पर आना है, 94 95 ये मे बी प्रेजेंट लिखा है, प्रेजेंट।
57 पिन नंबर 98 98 के बाद आपको 109 पेज नंबर पे आना है और 109 पे स्टार्ट करना है। वन वन ज़ीरो इज एम्प्टी। पेज नंबर 112 113 पेज नंबर 114 116 117 एक्सपेरिमेंट नंबर 25 पेज नंबर 118 पेज नंबर 119 120 पेज नंबर 121 है देन 122 123
in our 124. Pin number 125. Pin number 126. Pin number 127. Pin number 128, 129, pin number 130. Pin number 131, pin 132, 133 is blank. और इस तरीके से आपकी ये बुक कंप्लीट हो गई, ठीक है? जो नहीं समझा वो आप पूछ लीजिए.